नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। आप देख रहे हैं आई इंडिया। आज हम आपको संसद की वह बात बताने जा रहे हैं जब पढ़े लिखे सांसद मिमिक्री करने लगे, और मिमिक्री किसी और की नहीं बल्कि राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की। इस मिमिक्री को उपराष्ट्रपति ने शर्मनाक बताते हुए कहा कि यह हास्यास्पद और अस्वीकार है कि एक सांसद मजाक उड़ा रहा और दूसरा सांसद उस घटना का वीडियो बना रहा है। इस घटना पर जगदीप धनखड़ ने कहा कि मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर एक वीडियो को देखा, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार का वीडियो बनाते हैं, मैं तो यही कहूंगा कि उन्हें सद्बुद्धि आए, कुछ जगह तो बख्शो। आइए पहले वो वीडियो देख लेते हैं। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो, मैं तो यही कह सकता हूँ सद्बुद्धि आई। कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो। ऐसा क्यों हुआ यह भी बता देते हैं। शीतकालीन सत्र से सस्पेंड किए विपक्षी सांसद संसद परिसर में धरना दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी की और गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठे। उसके बाद इसी समय ममता बनर्जी की टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ की नकल उतार कर मिमिक्री की, जिस पर उपराष्ट्रपति भड़क गए। सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल होने लगा और बीजेपी ने इसे आड़े हाथों लिया, और ले भी क्यों ना, क्योंकि इसमें मिमिक्री कर रहे टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी का वीडियो खुद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बना रहे थे। इसके बाद शुरू होता है सोशल मीडिया एक्स का खेल। मोदी भरोसा एक यूजर्स ने वीडियो पोस्ट कर लिखा कि टीएमसी एमपी कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का नकल करके उनका मजाक उड़ाते रहे, और राहुल गांधी समेत बाकी विपक्षी सांसद वीडियो बनाते रहे और तमाशा देखते रहे। फिर इसी के नीचे लिखा, शर्मनाक, कम से कम संवैधानिक पद का तो इज्जत रख लेते, और गुस्से वाला इमोजी भी साथ में बना दिया। आइए पहले वो पोस्ट वीडियो के साथ देख लेते हैं। इसको थोड़ा पीछे हो जाए, थोड़ा प्लीज प्लीज थोड़ा पीछे हो जाइए। I have been appointed here
फिर इस पोस्ट को रिपोस्ट एक्स पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने पोस्ट किया और लिखा, सर्वनाक कृत्य, क्या यही इनकी मोहब्बत की दुकान है या मोहब्बत की दुकान नहीं, ये सब नफरत के मेगा शॉपिंग मॉल हैं। ये सिर्फ उपराष्ट्रपति महोदय का मखौल नहीं उड़ा रहे हैं, ये सब भारत के लोकतंत्र और संवैधानिक संस्था का मखौल बना रहे हैं। शर्म करो घमंडियों। उसके बाद एक्स पर भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि देश याद रखेगा, जब देश के उपराष्ट्रपति और संवैधानिक संस्था का मखौल बनाया जा रहा था तो शहजादा खड़ा होकर वीडियो बना रहा था। भारत तोड़ने वालों का साथ लेकर भारत जोड़ने का स्वांग रचने वालों का मुख्य एजेंडा जोड़ना नहीं तोड़ना ही है। घमंडियों के घमंड का अंत 2024 में देश की जनता अवश्य करेगी। आइए वो वीडियो भी देख लेते हैं और एक्स की पोस्ट भी। फिर उसी पोस्ट पर एक यूजर संतोष सिंह परमार ने रिप्लाई करते हुए लिखा कि एक वीडियो पोस्ट किया और साथ में टैग करते हुए कहा कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का गुंडा कल्याण बनर्जी देश के उपराष्ट्रपति जी का मजाक उड़ा रहा है और चमचों के बेशर्म शहजादा राहुल गांधी वीडियो बना रहा है। चारा चोर मनोज कुमार झा तालियां बजा रहा है और 2024 में जनता इन सड़क छाप नेताओं का मजाक बनाएगी। फिर नीचे हैशटैग करते हुए सड़क छाप कांग्रेसी लिखता है। एक्स के एक और यूजर गोविंद शर्मा ने रिप्लाई करते हुए लिखा कि देश के उपराष्ट्रपति के मजाक उड़ाए जाने पर कांग्रेस के शहजादे ने न केवल हंसे बल्कि इस नंदनी कृत्य का वीडियो भी बनाया। अरे व्यक्ति का नहीं, कम से कम पद की गरिमा ही रख लेते, शहजादा बेशर्म है, यह हैशटैग करके उन्होंने पोस्ट किया। राजस्थान के सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि देश देख रहा है कि कैसे टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी भारत के माननीय उपराष्ट्रपति जी की मिमिक्री करते हुए उनका मजाक बना रहे थे और राहुल गांधी समेत दूसरे नेता ठाके लगा रहे थे। शायद ये अपने घर के बड़े बुजुर्गों से भी यही बर्ताव करते हों, संस्कारहीन। इस पर रिप्लाई करते हुए एक यूजर जो लाडू बिश्नोई के नाम से है, उन्होंने लिखा कि किसी की मिमिक्री करने में क्या बुराई है, ये एक कला है, अगर आप में है तो आप भी कर सकते हैं, बाकी उपराष्ट्रपति जी ने पहले ही सारी हदें पार कर ली। नीचे हैशटैग करते हुए सस्पेंडेड हैशटैग पार्लियामेंट भी लिखा। फिलहाल आप इस वीडियो पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा और आई इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।